राधे कृष्णा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सब आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी सब बढ़िया हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरा ब्लॉग देखते हो, व्यू अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। कुछ अच्छा लगे तब भी कमेंट करके बता दिया करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के। सुबह सुबह किचन का क्या हालत हो रखी है। लो ये नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, आलू गोभी दही और रोटी अभी तक बन रहा, बाकी सारा नाश्ता सुबह सुबह। गाइस, ड्यूटी वाले ड्यूटी चले गए हैं और अपनी ड्यूटी शुरू हो गई है। बर्तन मांज रहा, किचन रोज़ की तरह वही काम। तो चलो जी, होना सी है बर्तन वर्तन मांज के और किचन की साफ सफाई करके फ्री हो जाने। चलो अपनी ड्यूटी शुरू। सफाई करके साटा हो गया हूँ काम। बाहर का मौसम बहुत खतरनाक है, देखो बिल्कुल बदल से बने हुए हैं, बिल्कुल खतरनाक बादल बने हुए हैं, बहुत मौसम ख़राब है। धूप निकलने का कोई चांस ही नहीं है, देखो कितना खतरनाक मौसम है। सो गाइस, ये मौसम तो ऐसे ही रहना है। तो साडा तो रोज़ का कम यही है, सवेर तो शाम घर की साफ सफाई, नाश्ता, कपड़े धोने, सुखाने, हर चीज़ की टेंशन 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 टेंशन। 2023 हो या 2024, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम तो हमेशा बस झाड़ू पोछा बर्तन बांडे रोटी सब्जी करते रहेंगे। हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इस धरती पे। गाइस, मेरे घर दिया ने मैनू एक दिन कहा कि कुछ उच्चा सोच, कुछ उच्चा सोच। फिर मैं अपना दिमाग चलाया, मैं भी छत ते चढ़ गई, जा के छत के उत्ते मैं सोचने लगी। फिर मैं वापस नीचे उतर के आई, फिर मैं उन्होंने कहा, बहुत जाके ऊपर सोचा लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि सोचना की था। इस करके सोचना कैंसर, जब दिमाग में असी ज़्यादा इस्तेमाल कर देना है तो दिमाग ख़त्म नहीं हो जाएगा। इस करके दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ख़त्म ना हो जाए, दोबारा ना मिले या फिर, और मिले भी अगर फिट ना बैठे आते। इस करके ज़्यादा सोचने ना दिमाग ख़त्म हो जाता है दोस्तों, इस करके ज़्यादा सोचना बंद। टैलेंट तो बचपन तो है मेरे च, पर किसी में नज़र नहीं आया, घर दिया भी नहीं। कोई भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल लोग अग के अंदर या बिस्तरिया बैठे होने, बाहर बैठना भी क्या है, बहुत ठंड हो रही है, धुप निकलती तो थोड़ी जी बैठ लेंगे। सुबह मैं तो लगता है ना कि सूरज में ना अस 2023 ना छड के आ गए, तो अभी ज़्यादा 2024 चले आए ना, बिल्कुल भी सूरज के दर्शन नहीं हुए ने। हम तो बिल्कुल थक गए दर्शन वास्ते, कि परमात्मा हम तो निकल गया, मैंने नहीं लगता ये लोहड़ी तो पहले निकलेगा, 10-15 दिन इवें ही रहना बस। बहुत कीमती दर्शन हो गया सूर्य देवते दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया हम, चलो लंच वंच बनाते हैं। धुप निकलने देगा इस कोई चांस नहीं है, इस करके दोबारा से असी इदे को ले आ जाना है। बेचारा बहुत साथ दिंदा है, दिन रात इदे ही सारे बैठे रहने हैं। वेरी गुड फीलिंग, घूम
फिर क्या फिर इतने ही आ जाने हैं, क्योंकि सूर्य देव के दर्शन तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए ना, लगता भी नहीं है कि हूँ होने हैं 10-15 दिन और। सो गाइस सबसे बेस्ट ये है है ना, तुम गलतफहमी में हो कि शादी होने के बाद तुम्हारी जिंदगी झंड है, बेचारी लड़कों की भी जिंदगी बड़ी झंड है। मतलब घर पे अगर साला आ जाए तो बेचारों को भर भर के प्यार दिखाना पड़ता है, और अगर साली आ जाए तो बेचारों को अपना प्यार छुपाना पड़ता है। क्या करें बेचारों। चलो क्या लिखने वाले हो आज, बुक लेके आए? पापा ने बुक लेके दी है? कौन सी बुक लेके दी है? इसको दबाओ, यहाँ से ऐसे दबाओ, लो अब निकला पेन। चलो ए फॉर एप्पल बोलो। लो बुक में देखो क्या लेके आए आज तेरे पापा, क्या देके गया तुझे। सीधी करो बुक, पहले बुक को खोलना सीखो। ये देखो, लो जी चुलबुली का क कबूतर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। ये टीचर पढ़ा रही है जो कंफ्यूज कर रही है। कैसी टीचर है ये अन्नू की? अन्नू अन्नू बताओ अब क्या क्या ये? म्याऊ है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, सी फॉर कैट बोलते हैं, म्याऊ है। ये मछली है, ये हाथी है, ऐसे नहीं बोलते। ई फॉर एलिफेंट, और एपोर फिश। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हें तुम्हारी मम्मी फिश कैसे बनाती है, कैसे काटती है? अरे बाप रे, ऐसे काट के बनाती है। और तू कैसे खाती है? अच्छी ची 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 ची। चलो आप पढ़ो, शुरू हो जाओ, छेक लो। बस पढ़ लिया, बन गई जज है? इतने पढ़ेगी, बुक रख दो पर, बन गई जज है? है? ना ना ना, हाँ सारी बुक खराब कर दी, ऐसे पढ़ाई करोगे हैं? मार खाओगे है तो? ऐसे तो टीचर मारेगी आपको अगर बुक गंदी करोगे तो, है ना? कैसे चलेगा ये? ये क्या डी फॉर डॉग है? मैं पेंसिल का नाम डॉग। ओहो पढ़ लिया जी, पढ़ लिया ये तो बन गई जज। इन्हें तो पहले दिन ही बुक का करता ही सत्यानाश, पेंसिल मार मार के मार मार के। गोभी दे पकौड़े बनाने हैं, और फिर असी बनानी है कढ़ी, गोभी दे पकौड़िया की कढ़ी। तो गोभी मैंने कटना शुरू कर दिता है, असी कट लिया। इहदे विच कट लईआं हरिया मिर्चा, प्याज, हरा धनिया और गोभी कट के असी हुण इहदे विच पाउणा बेसन। साडा पकौड़िया का समान तैयार हो रहा है, मसाला तैयार हो गया साडा, पकौड़े रेडी हो रहे हैं। फिर आपां कढ़ी बना के इन्हां नूं उहदे विच पाउणा। पकौड़े साडे रेडी हो गए हैं, पकौड़े साडे रेडी हो गए है, मसाला असी कट लिया है। हुण आपां कढ़ी पाउणी है। कढ़ी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, मसाला कट लिया, मसाले तैयार है, लस्सी आ गई है, बेसन घोल के असी रख लिया, तेल गर्म हो रहा है, पकौड़े साढ़े बन गए ना। तो हूँ असी पानी है पहले मेथी। चलो जी कढ़ी बनाने हैं। लो जी असी हुण पकौड़े कढ़ी विच पा देने। लो जी पकौड़े वाली कढ़ी हो गई है रेडी गाइस, खाने के लिए तैयार। खाना तैयार हो गया है, पकौड़े वाली कढ़ी और रोटी। सो गाइस आज का ब्लॉग तुहानू किवें दा लग्गिया प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्सियो, और मेरे ब्लॉग नूं कमेंट लाइक शेयर जरूर करिया करो। आई होप कि मेरे ब्लॉग तुम बोर नहीं करते होंगे। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राधे कृष्ण, बाय।